नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हल्दर खेती पर। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करें ताकि जो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, जो कि भारत सरकार के अनुरोध पर जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, तो उसी के तहत जो राजस्थान सरकार, उसने एक मिशन चलाया है, राजस्थान मिलेट मिशन। इसके अंतर्गत जो राजस्थान है उसमें सभी जिलों में ब्लॉक लेवल पर जो रोड शो या रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो मिलेट्स यानी जो अपने पोषक अनाज होते हैं, जैसे कि जो ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो, कुटकी, सांवा, जो आदि जो पोषक वाले जो अनाज हैं, इनके महत्व और स्वास्थ्य के लिए कितने फायदेमंद हैं, इसके बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली हैं, रोड शो के आयोजन जगह जगह किए जा रहे हैं, और जो इनसे होने वाले फायदों के बारे में और इनके उत्पादन उत्पादकता और इनको जहाँ बेचने के अवसरों को प्रोत्साहित किया जाएगा, इसी के तहत ये रोड शो किए जा रहे हैं। साथियों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो ये मिलेट्स हैं ये भोजन में ज़रूरी क्यों हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो पहले अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं जो परंपरागत खेती करते थे, उस समय जैसे कि ज्वार, बाजरा, अभी भी राजस्थान में बाजरा का उत्पादन प्रथम स्थान पर है, और जो अपना पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर बाजरा अभी भी भोजन में शामिल है, वो अभी इसका दलिया, खींचड़ा, रोटी वगैरह सभी इसको अपने भोजन में शामिल करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब से जो 1966 के बाद में हरित क्रांति का आगाज हुआ था, उसके बाद में लोग इसके जो पोषक अनाज मिलेट्स हैं इनकी तरफ रुझान कम हो गया और गेहूँ की तरफ ज़्यादा जो भोजन में शामिल कर लिया गया है। तो साथियों, जानते हैं कि जो आजकल क्या है कि जो भाग दौड़ भरी और व्यस्त जीवन में अगर स्वस्थ रहना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, और स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है स्वस्थ भोजन हो जिसमें सभी पोषक तत्व और संतुलित आहार हो। तो इसमें जैसे कि जो अपने मिलेट्स हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, जो रागी है, सांवा है, इनमें क्या होता है कि जो पोषक तत्व भरपूर मात्रा में रहते हैं, इनमें फाइबर होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, खनिज यानी मिनरल्स भरपूर होते हैं, साथ ही ये जो इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो थोड़ी कम रहती है, लेकिन जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स है वो भी कम होता है, इससे मधुमेह होने का अपने को खतरा नहीं रहता है। दोस्तों, इसमें जो खाद्य रेशे यानी डाइट्री फाइबर अधिक होने से मोटापा भी कम करने में ये उपयोगी रहते हैं, और पोषक अनाजों में जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए जो अपने शरीर में एनीमिया और जो उच्च रक्तचाप है उससे भी ये अपन को बचाव करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, साथ ही पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखने में ये सहायक होते हैं। जो बाजरा, ज्वार, रागी जो पोषक अनाज हैं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इनमें ग्लूटेन नहीं होता है, जैसे कि गेहूँ में ग्लूटेन की मात्रा होती है और इनमें ग्लूटेन मुक्त होते हैं। इसी तरह से जो कुपोषण, मोटापा, हृदयघात, मधुमेह से बचाव करने में भी जो अपने पोषक अनाज है ये सहायक होते हैं। और जो बाजरे की रोटी और खिचड़ी तो सभी अपन जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध है, और साथ ही जो आजकल ज्वार, रागी से भी जो बिस्किट है, नमकीन है, और बाजरे के लड्डू आदि व्यंजन इनसे बनने लगे हैं। बाजरे की पकौड़ी, बाजरा मूंग चिल्ला, बाजरे का हलवा, बाजरे की चक्की, ज्वार की इडली, ज्वार का हलवा, ज्वार का समोसा, उपमा, डोसा आदि जो चीज़ हैं वो इनसे बनने लग गई हैं। तो साथियों, ये तो ज़रूरी है कि ये अपने भोजन में क्यों ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि जो राजस्थान है उसमें मिलेट्स की क्या क्या उपयोगिताएं हो सकती है जो अपना पोषक अनाज है। तो साथियों, जैसे कि अन्य खाद्यान्न वस्तु जैसे गेहूँ और इनकी अपेक्षा बाजरा और ज्वार है, इनकी खेती राज्य की अपने जो राजस्थान राज्य है उसमें पहले से बाजरा अपन प्रथम स्थान पर है। तो किसान भाइयों, जैसे कि ज्वार और बाजरा के लिए राजस्थान बहुत ही अनुकूल जलवायु है, और इसमें क्या होता है कि जैसे जो अन्य अनाज की फसलों की अपेक्षा इसमें जो मोटे अनाज हैं या पोषक अनाज हैं, पानी की आवश्यकता कम रहती है, और बाजरा ज्वार होते हैं ये रोग कीट रोग में इनके प्रभाव भी बहुत ही कम होते हैं। जो अपनी कम उर्वरक भूमि रहती है वहाँ पर भी ज्वार बाजरा आसानी से ज़्यादा खाद उर्वरक की इसमें आवश्यकता नहीं रहती, फिर भी अच्छा उत्पादन देते हैं। और जो मिलेट्स होते हैं इनकी बढ़वार अन्य फसलों की अपेक्षा अच्छी बढ़वार होती है, साथ ही ये खाद्यान्न की आपूर्ति तो करते ही हैं, अपने जो पशु हैं, पशुधन है, उनके लिए चारे की भी
इसमें उपलब्धता रहती है। और जो इसीलिए साथियों जैसे राजस्थान में अपन जो पोषक अनाज है उनका अच्छा उत्पादन लेकर और उसका अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथियों जैसे कि मिलेट्स के लिए राजस्थान सरकार क्या क्या पहल कर रही है, तो साथियों जैसे कि मैंने बोला था राजस्थान में मिलेट्स को प्रोत्साहन देने के लिए मिलेट्स मिशन 2023 जो चलाया गया है, ये जो राजस्थान बजट 2022-23 के अंतर्गत इसको घोषणा की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा, तो इसके लिए राजस्थान सरकार बीज के मिनी किट वितरण कर रही है। जो भी प्रचलित किस्में हैं उनके अच्छी खासी मात्रा में निःशुल्क बीज वितरण किए गए। मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की जो जोधपुर में बनाने की राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा की गई है ताकि उसमें जो मिलेट्स है उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके और उनके फसलों जो फसल आने के बाद में आपके बाद में उनके मूल्य संवर्धन के लिए क्या कुछ नया कर सकते हैं उनके लिए भी जो मिलेट उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है। साथ ही जैसे मिलेट्स के संबंध में कुछ चुनौतियाँ हैं जैसा कि बाजरा ज्वार है इनका समर्थन मूल्य नहीं है, साथ ही जो गेहूं होता है उसमें ग्लूटेन की मात्रा होती है उसकी वजह से उसकी रोटी मुलायम बनती है, पर बाजरा ज्वार में ऐसा नहीं है इसलिए इसकी खाने में स्वीकार्यता कम की जाती है और इसकी प्रोसेसिंग यूनिट भी कमी है तो राज्य में इसकी कमी है। और जो माना जाता है कि ऐसा कि जो मिलेट्स होता है जैसे ज्वार बाजरा होता है इसको गरीब का भोजन माना जाता है तो थोड़ा लोग उसको कम प्रेफर करते हैं। और जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो ज्वार बाजरा की उत्पादकता बहुत प्रोडक्टिविटी कम है दूसरे अन्य खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा।